तुलसीदास जी ने कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, यानी अच्छे लोगों की संगति के बिना ज्ञान नहीं मिलता। लेकिन अगर आप बुरे लोगों की संगति में रहते हो तो बुरी आदत लगने में देर नहीं लगती। जैसी संगत वैसी रंगत। एक कहानी से मैं आपको समझाता हूँ। एक बार एक पेड़ की ऊंची शाखा पर एक बाज ने अंडे दिए और उसी पेड़ के नीचे एक मुर्गी ने अंडे दिए। एक दिन बाज का अंडा पेड़ से नीचे गिरकर मुर्गी के अंडों में मिल गया। जब अंडा फूटता है तब बाज के बच्चे को लगता है कि वो एक मुर्गी का बच्चा है और बाज का बच्चा मुर्गी के बच्चों के साथ रहकर दाना चुगता है। बाज का बच्चा आसमान में बाज को उड़ते हुए देखता है और सोचता है, काश मैं एक बाज होता तो खुले आसमान में अपने पंख फैलाकर आजादी से उड़ता। यू आर द एवरेज ऑफ फाइव पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। आप उन पांच लोगों का एवरेज होते हो जिनके साथ आप जिंदगी बिताते हैं। आप चाहे कितने भी ज्ञानी हो, कितने भी मोटिवेटेड रहो, अपनी मंजिल को लेकर आप कितनी भी ज्यादा मेहनत करो, लेकिन अगर किसी एक इंसान ने आपको ये कह दिया कि आप अपनी जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते, उसका ये कहना आपकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। क्योंकि उसने ये कहकर आपको यकीन दिला दिया कि आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको हमेशा मोटिवेट करे, और ऐसे लोगों की संगति में बिल्कुल मत रहना जो आपके सपनों पर विश्वास न करते हो। शराबी के साथ रहोगे तो शराबी बन जाओगे, दानी के साथ रहोगे तो दानी बन जाओगे, ज्ञानी के साथ रहोगे तो ज्ञानी बन जाओगे। जिस किसी की संगति में आप रहते हो आप उनके जैसे बन जाते हो। हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो जो सही रास्ते पर चलकर कई गुना ज्यादा पैसा कमाते हैं, जो आपसे कहीं ज्यादा सक्सेसफुल लोग हैं। क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रहकर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कड़ी मेहनत करते हुए उनके जितना या उनसे भी कहीं ज्यादा सफल हो सकते हो। कंफर्ट जोन सफलता का बिल्कुल उलट होता है। कंफर्ट जोन में रहकर आप कभी सफल नहीं हो सकते। इसीलिए ऐसे लोगों की संगति में रहने की कोशिश करो जहां पर आपसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में आपकी मदद करें और आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सको। क्योंकि जिस कुल्हाड़ी से चंदन की लकड़ी काटी जाती है उस कुल्हाड़ी पर भी चंदन की खुशबू समा जाती है। और हमेशा याद रखना कि आपको भी अपने से कम सफल लोगों को सफल बनाना है। कभी भी अपनी सफलता पर घमंड मत करना और हमेशा लोगों की मदद करना ताकि ऐसे लोग भी आपकी तरह सफल बन सके। मैं समझता हूँ कि हर किसी के अंदर एक शेर होता है, और जब तक आप अपने अंदर के शेर को शिकार करना नहीं सिखाओगे तब तक आप सर्कस के शेर की तरह दूसरों के इशारे पर नाचोगे। अपने अंदर के शेर को पहचानो, शिकार करना सिखाओ, अपने अंदर के बाज को पहचानो और सफलता की उड़ान भरो। क्योंकि सिर्फ एक जिंदगी मिली है और समय बहुत कम है, और इसी जिंदगी में आपको बहुत कुछ हासिल करना है। अगर मेरी बातों से थोड़ा भी मोटिवेशन मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे लाखों का मोटिवेशन देता है। मैं हमेशा आपको इसी तरह इंस्पायर करता रहूंगा। टेक केयर, गुड बाय।